दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC की बात करें तो AGM की डेट आ चुकी है। कंपनी अपनी AGM बुलाने जा रही है और इस AGM के दौरान ही OFS का फैसला हो सकता है। यानी अभी ये मामला थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय रिसेंटली OFS नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर OFS के दौरान जो संभावना बन रही है उसको लेकर क्या आगे की रणनीति हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस AGM के दौरान कंपनी की तरफ से और क्या अनाउंसमेंट हो सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक के अंदर उतनी बड़ी तेजी नहीं बनी है जितनी RVNL के बनी थी। उसके बाद में OFS लाया गया था, 30 रुपीज़ का स्टॉक जब 146 तक पहुंच गया उसके बाद में सरकार ने OFS का अनाउंसमेंट किया, जबकि यहाँ पे तो स्टॉक अभी डबल भी नहीं हुआ है IPO प्राइस से। तो क्या OFS अभी लाया जाएगा या फिर इसको AGM के ऊपर छोड़ जाएगा या फिर उसको और समय लग सकता है, क्योंकि अभी भी वक्त बहुत ज़्यादा है सरकार के पास OFS लाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतर परिणाम देख रहे हैं। हर साल हम बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। आपको यह भी पता होगा कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही यूनिक है, सिर्फ 37 एम्प्लॉयज कंपनी को रन कर रहे हैं और होटल अशोका से इसका बिजनेस चल रहा है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि यह कंपनी कमाल कर सके। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, फ्राइडे को BSE सेंसेक्स 64,948 के स्तर पे क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 202 पॉइंट की गिरावट थी, 0.31% की गिरावट हुई है बाजार में। और BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट थी, 9,368 के स्तर पे 0.31% की गिरावट थी। तो इसका असर भी देखने को मिला IRFC के ऊपर, क्योंकि बाजार में नरमी थी और फाइनेंशियल सेक्टर में भी गिरावट थी। अब IRFC की बात करें तो 47.20 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें 0.94% यानी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट है उसके बावजूद अब देखें तो कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी या नहीं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग मिक्स है। डाउ जो की बात करें तो 34,500 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.075% की मामूली सी तेजी, यानी कहने के लिए फ्लैट क्लोजिंग है। S&P 500 4,369 के स्तर पे 0.015% की गिरावट, यानी बहुत ही मामूली सी गिरावट। नेस्टेक कंपोजिट की बात करें तो 13,290 के स्तर पे 0.20% की गिरावट थी, और रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1859 के स्तर पे 0.51% की तेजी। तो यहाँ से लगभग सिग्नल मिक्स दिखाई दे रहे, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन FI का रुझान निगेटिव बाजार के लिए, ये बाजार के लिए चिंताजनक बात है। आप ये देख सकते हो कि FI ने 18 तारीख को यानी फ्राइडे को 12,302 को बीच का अपना माल बेचा है, सामने 12,569 को बीच की बिकवाली की है। तो खरीदारी का आंकड़ा नहीं है, निगेटिव हो चुका है। 266 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेचा है और इस महीने में उन्होंने 10,925 करोड़ की बिकवाली कर दी है। फिलहाल बाजार में FI की तरफ से रुझान निगेटिव बना हुआ, वो लगातार बिकवाली करे और इसी वजह से बाजार में अभी भी दबाव दिखाई दे रहा है। DI की बात करें, उन्होंने 6,501 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,161 करोड़ की बिकवाली की है। तो इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के रहा वो 339 करोड़ का है। और आप देख सकते हो कि FI के सामने DI की खरीदारी बहुत कम है, इसी वजह से बाजार में थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। वैसे इस महीने में 9,245 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया DI ने, तो इससे बाजार को थोड़ी सी राहत मिल रही है। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC ने अपने AGM के डेट का ऐलान कर दिया है। तो फ्राइडे 22 सितंबर को 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में देखें तो ये AGM होगी। इस AGM के दौरान क्वार्टर वन के रिजल्ट को भी पेश किया जाएगा और उसके ऊपर शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, और भी दूसरे जो प्रस्ताव है उसके लिए भी शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी AGM के दौरान। तो यहाँ पे देखो कि शेयर होल्डर के लिए ई वोटिंग का ऑप्शन है, जहाँ से वो वोटिंग करके इन प्रस्ताव को पास कर सकते हैं या इसके खिलाफ वोट भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर है वो डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से उनको इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसको समय दिया जाएगा, उस हिसाब से वो वोटिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि अब AGM की डेट हमारे सामने आ चुकी है अगले महीने की 22 सितंबर, तो लग रहा है कि जो OFS का ऐलान है वो AGM के दौरान हो सकता है, इसके पहले होने की संभावना अब काफ़ी कम है, क्योंकि जो भी होगा फैसला AGM में कंपनी कर सकती है कि OFS लाना है या नहीं लाना है। और वैसे भी अगर आप देखें तो प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है,
25 के आसपास तो आईपीओ की प्राइस थी, अब प्राइस 47 के आसपास, तो प्राइस तो डबल से भी नीचे आ गई, इतनी प्राइस नहीं बढ़ी है। ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि ओएफएस इस समय आएगा, सरकार इसको थोड़ा सा डिले करेगी और हो सकता है कि प्राइस अगर बढ़ी तो एजीएम के दौरान इसका फैसला लिया जा सकता है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि फिलहाल ओएफएस के लिए जो अभी रिसेंटली जो संभावना बनी थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखा दे रहा है, क्योंकि एजीएम का ऐलान हो चुका है और इसका फैसला एजीएम के दौरान ही होगा। वैसे सबसे जो बड़ी बात है कि जनवरी 2021 में आईआरएफसी की लिस्टिंग हुई थी मार्केट में, और उस हिसाब से देखें तो इनके पास 5 साल का वक्त है, यानी 2026 तक वो अपनी जो स्टेक एक्स्ट्रा 11.36% उसको मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि 75% की लिमिट के ऊपर लाना है, 25% की जो पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए। तो ऐसे में अभी समय है, तो सरकार चाहे तो इस ओएफएस को थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं। इस स्टेक को बेच के सरकार को करीब 7,600 करोड़ की रकम मिलेगी, लेकिन जिस तरह से अभी सिनेरियो बना हुआ, बाज़ार में दबाव का माहौल बना हुआ है, एफआई बिकवाल बने हुए, तो ये जो पूरा का बाज़ार का जो इस समय सिग्नल है वो निगेटिव है ओएफएस लाने के लिए, और इस हिसाब से लग रहा है कि ओएफएस थोड़ा सा लेट हो सकता है। वैसे जो सबसे जो बड़ी बात है कि ओएफएस को अगर साइड में भी रख दे तो आईआरएफसी की ये प्राइस में खरीदारी के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बिजनेस बहुत ही शानदार, और जिस तरह से रेलवे का कैपेक्स बढ़ाया गया, सरकार एक के बाद एक लगातार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आएगी। और आईआरएफसी जो सबसे बड़ी कंपनी है रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली, जितनी कंपनियाँ हो, चाहे आरवीएनएल हो, इरकॉन हो, या फिर आरआईटीएस हो, दूसरी जितनी भी कंपनियाँ, कोंकण रेलवे हो, सबको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, और जिस तरह से प्रोजेक्ट निकल के आ रहे उसका सीधा फायदा आने वाले समय आईआरएफसी को हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू को भी देखें तो आपको हर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2022 में जहाँ पे 5,627 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो जून 2023 में बढ़ के 6,679 करोड़ तक पहुँच गया और हर क्वार्टर में बढ़ा है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 1,662 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो मार्च में घटके 1,328 करोड़ के आसपास पहुंचा, इस जून में 1,557 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा, जून 2022 में जहाँ पे 42,657 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में 47,334 करोड़ तक पहुंच गया है। अब अगर हम सालाना आधार पर देखें तब तो आपको ये आंकड़ा और बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक दिखाई देगा। 2019 में जहाँ पे 11,132 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू था, वो 2023 तक बढ़ के 23,892 करोड़ तक पहुँच गया, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी डबल से ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 2,255 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था पूरे साल का, वो 2023 में बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुँच गया, यानी प्रॉफिट डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा है। ये आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है, और ऐसे ही नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2019 में जो कंपनी का टोटल नेटवर्थ 18,586 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और ये जो रिजल्ट के जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये इशारा करके स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। जिस तरह से इसका बिजनेस बढ़ रहा है, ये स्टॉक आने वाले समय आराम से 500 को टच कर सकता है, और आने वाले समय इससे ऊपर भी जा सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो डरने की कोई बात ही नहीं है, खरीदारी का अच्छा मौका है, आईआरएफसी में आपको निवेश करना चाहिए। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसने बहुत बेहतर परिणाम भी दिया है। आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में इसने 121% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी सेंसेक्स में इस दौरान 7.78% की मामूली सी तेजी बनी है, और बीएससी फाइनेंस ने 10% की तेजी बताई है। तो विनर यहाँ पे आईआरएफसी है। 3 मंथ की भी बात करो, आईआरएफसी ने यहाँ पे 38% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी सेंसेक्स में 5% की तेजी बनी और फाइनेंस में मात्र 3% की तेजी थी। तो यहाँ पर भी आपको सबसे शानदार रिटर्न आईआरएफसी का ही दिखाई देगा। 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 45% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएससी सेंसेक्स में इस दौरान -2.46% का निगेटिव रिटर्न मिला है, और बीएससी फाइनेंस -3.05% निगेटिव रिटर्न दिया है। तो जहां पे लगातार निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, उसने एक महीने में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से आईआरएफसी का जो रिटर्न है वो 45% पॉजिटिव है, जबकि बीएससी सेंसेक्स में हमने 6% की तेजी देखी है और फाइनेंस में 4.81% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो अपने पेयर कंपनियों की तुलना में देखें या सेंसेक्स के मुकाबले इसका रिटर्न बहुत बेहतर है, और ये इशारा करके आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें अच्छा मौका है, खरीदारी इस समय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो थोड़ा सा वेट करें, बाजार को स्टेबल होने दें, उसके बाद खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।